मतलब लोगों के पास और भी काम धंधा तो होता है नहीं, तो वही लोग मुंह देखते हैं, क्या बताएं। वैसे कभी यहाँ पर भी बीच में एकदम आके खड़े होकर वीडियो बनाने वाला है, लेकिन वही बात है, ऐसे लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं फिर हमें दिक्कत होने लगती है। यहाँ से इधर ये बड़ा डेंजरस रास्ता है भाई, पता चला हल्का सा इधर उधर हुआ और सीधे पेड़ में घुस गए आप। मतलब भाई मैं तो घुस ही जाऊंगा। चलो लेकिन हम जो है वो अपने डेंजरस वाले इलाके से हम जाने की कोशिश करेंगे, है ना। ये वाले इलाके मतलब ये वाला जो रोड है ना भाई, काफी डेंजरस लगती है ना, उतना इसमें समझ में नहीं आता है ना। ये बेसिकली ऐसे ऐसे एकदम खड़ी ढलान है ना, तो आप लोग सोचो मैं लगभग मैं रोज यहाँ पर आता हूँ वीडियो बनाने के लिए, और एकदम ऐसे खड़ी ढलान पे गाड़ी को नीचे उतारता हूँ और ऊपर लेके आता हूँ। चलो कोई भी अगर फर्स्ट टाइम अगर इस ढलान को अगर क्रॉस अगर कर रहा है ना, तो वो पक्का वो गिरेगा तो कंफर्म है ना, अगर एक्सपीरियंस अगर उसके पास नहीं है तो है, क्योंकि मतलब काफ़ी डेंजरस ढलान है ये वाली। लेकिन हमारे अरे अंकल से छुछुंदर की तरह निकला है यार ये, सही में मेरा हार्ट मेरा मुंह में आ गया था वो, जैसे ही अंकल जी वह जैसे ही सामने आ गया था, है ना। क्या बताएं, लीचड़ होते हैं ना लोग, लीचड़। हम भी निकालना चाहें इसके आगे निकाल तो लें, लेकिन मोटो व्लॉग में आवाज़ नहीं आती है। ये देख लो भाई, ये बस यहाँ पर फालतू में खड़ा करके ट्रैफिक मचा रहा है ना, कोई रीज़न थोड़ी नहीं है। वैसे आज का ना मौसम आज का हल्का सा क्लाउडी है ना, तो कैमरे में क्वालिटी उतनी अच्छी आती नहीं DSLR में, है ना, क्योंकि क्लाउडी मौसम में हल्का सा वो मतलब फेड हो जाता है, तो वो मुझे फिर एडिट करके मुझे सुधारना पड़ता है। ये यहाँ से हम जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन वो पुलिस वाला खड़ा था वो पता चला नौटंकी करने लगता, नहीं भैया तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो, है ना, तुम पहले मुझे पैसा दो। मतलब उन लोगों का तो यही होता है ना, इसीलिए तो बैठे रहते हैं। ये गड्ढा क्या है यार, ये मैन होल बीच रोड पे बनाने की क्या जरूरत थी, मुझे समझ में नहीं आता है ये लोग सीवर बीच रोड पे क्यों बना देते हैं। है अगर इतना ही अगर सीवर बनाने की आग लगी हुई है इसके अंदर बना दो, ये भी तो पब्लिक प्लेस है तो पब्लिक प्रॉपर्टी ना, लेकिन रोड पे सब बना देते हैं सीवर है, वो फिर गड्ढा बन जाता है। देखो यहाँ पर भी है ना, ये देख रहे हो, ये क्या है, ये क्यों बनाया गया, लोगों के थूकने के लिए बनाया गया है क्या, ये पता नहीं भाई। यहाँ का नगर निगम ना क्या काम करता है क्या ना काम नहीं करता है किसी को समझ में नहीं आता है ना। इतना होता है कि भाई चीफ मिनिस्टर को भी समझ में नहीं आता है कि नगर निगम करना क्या चाह रहा है। पहले रोड बनाएंगे फिर उसके ऊपर सीवर बनाएंगे, फिर भूल जाएंगे अरे भैया रोड बना तो दिए लेकिन पाइप डालना तो भूल ही गए, है ना, फिर उसी रोड को तोड़ के फिर पाइप डालेंगे। क्या क्या काम करते हैं मतलब क्या बताएं। और ये जो है हम लोग गोमती नगर वाले पुल पे है, बेसिकली रिवर फ्रंट वाले पुल पे, और ये पेड़ लेके जा रहा है भाई, लग रहा है पार्क में गाड़ने के लिए पेड़ लेके जा रहा है। ये अंकल जी को डर नहीं है क्या, है कि चलान कट जाएगा, अपना टकला अपना चमकाते हुए चल रहे हैं। लर्नर लर्नर वाले बाबू, ये भारत की सरकार स्विफ्ट में ही तो घूमती है। चलो सर ये जो है ये सबसे सही काम हुआ कि सिग्नल खुला हुआ है, क्योंकि अगर सिग्नल अगर बंद हो जाता तो हमें दिक्कत हो जाती, मतलब दिक्कत क्या होती, खड़ा होना पड़ता है, जो कि हम नहीं चाहते हैं कि बीच रोड पे हम खड़े हो जाएं। मतलब कौन चाहेगा यार, सबको जल्दी होती है ना, जल्दी जाना होता है। अभी कहाँ ये घड़ी 8 बजा रही है, ये घड़ी खराब हो गई है क्या, पता नहीं भाई, लग रहा है लखनऊ का वक्त जो है वो सही नहीं चल रहा है। क्या पता जब तक हम पहुँचे तब तक सिग्नल खुला हो, जैसे अभी सिग्नल खुला हुआ है, हैं क्या ऐसा हो सकता है सर। अरे थैंक यू सो वेरी मच सर, सर ने अभी टाइम बढ़ा दिया है ना, देखे उधर से इतना भयंकर ट्रैफिक आ रहा है तो टाइम बढ़ा दो। अरे गाइस वो देखो नई वाली सफारी, ये जाए ये ढक्कन डिब्बा जाए तब ना दिखाऊं तुम लोगों को, ये डिब्बा बीच में खड़ी है। ये देखो ये है नई वाली सफारी, है काफी सही है सर। टाटा भी ना माल जो है अच्छा बना रहा है, और जब से टाटा ने जब से लैंड रोवर जैगुआर का जब से प्लेटफॉर्म जब से यूज करने लगे हैं, तब से मतलब टाटा जो है वो अच्छी अच्छी कारें बना रहा है इस कार को छोड़ के। ये वाली कार तो ढक्कन कार थी, ये तो टैक्सी है, ये भी टाटा ही है। अच्छा रोड पे बहुत सारी टाटा और सुजुकी की बहुत सारी कारें मिल जाती हैं, है ना, ह्यूंडई टाटा और सुजुकी, यही तीनों है जो मतलब लखनऊ के रोड में जो राज कर रही है अभी तक। लेकिन सबसे ज्यादा जो राज कर रहा है ना वो है बजाज, क्योंकि यहाँ पर भाई बजाज के ऑटो बहुत सारे मिल जाते हैं, एंड हमारी भी बाइक जो है ये भी बजाज की ही बाइक है। पियो 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 पियो, कौन बजा रहा था भाई, पियो पियो, पता नहीं मुझे आवाज आई, पता नहीं सर होगा कोई यार, नहीं तो लोग तो आजकल अपने लोकल गाड़ी में भी तो लगा लेते हैं पियो पियो वाली आवाज, सायरन की आवाज। अरे भैया टाइम बर्बाद, दिन बर्बाद।
सब बर्बाद हो गया। चलो क्या करे सर, होता रहता है बर्बाद। अब कल अब जाएंगे अब वीडियो बनाने के लिए उसी पार्क में, लेकिन थोड़ा सा दिन में, है ना, क्योंकि दिन में थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि लोग नहीं रहते ना वहाँ पर। हम लोग जो है वो पॉलिटेक्निक चौराहे की तरफ हम लोग अप्रोच कर रहे हैं ना, और जैसे कि आप लोगों को पता है पॉलिटेक्निक चौराहा आ जाता है तो हमारा घर आ जाता है। तो जैसे कि आप लोग इस समय देख सकते हो, हम लोग जो है वो पॉलिटेक्निक चौराहे पे हम लोग पहुंच चुके हैं, मतलब मैं मेरे घर पे लगभग पहुंच चुका हूँ। तो चलो गाइज आज के इस वीडियो को करता हूँ यहीं पर ही खत्म। तो चलो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी अगर सुझाव हो, कोई भी कॉमेंट हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है उस पर जाके लिख देना। बेसिकली अगर कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा हो तो उस पर जाके लिख देना, ठीक है, नीचे खुला हुआ है। तो चलो गाइज बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही। आज के इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर ही खत्म, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, मतलब कल। तो चलो गाइज बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम जो है पॉलिटेक्निक चौराहे पे खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जब सिग्नल खुले तब हम निकले यहाँ से। यार खोल दो अंकल, जाने दो अंकल, जाने दो। कौन कहता है भैया सिग्नल जब खुल जाए तब आओ। अरे भैया भसड़ भसड़ मच जाती है यहाँ पर। तो चलो गाइज सी यू टुमारो, है ना, अब हम आप लोगों से कल मिलते हैं। बाय बाय, मेरे गाड़ी में तेल भी खत्म हो गया।